Good morning, students. Today, in the chapter of arbitrary series, we are going to discuss about the multiplication of series. Suppose you have given two series, sigma an and sigma bn. अगर हम इन दोनों series को multiply करते हैं, तो हमारे पास एक नई series बनती है. And suppose that series is cn. Now, अब इस series की first term हमें क्या consider करनी है, second term क्या consider करनी है, depending upon the multiplication of the two series. We have two different methods on which we can define this the product of two series. Now, basically multiplication हम करते कैसे हैं? अगर हमारे पास एक series है a1, a2, an series and second series क्या है? b1, b2 up to bn and so on. This is both are infinite series. अगर हम दोनों की multiplication करते हैं, तो हमारे पास terms आएंगे कैसे? a1 को b1 से multiply किया, then the first term is a1 b1. Then A1 को B2 से multiply किया, that is A1 B2. Then A1 को B3 से multiply करोगे, you will get A1 B3. And so on. Similarly, अगर मैं A2 को B1 से multiply करती हूँ, that is A2 B1. Then A2 is multiplied with B2. Then second term is A2 B2. And so on. Similarly, other AIs की terms को अगर हम BIs की terms से multiply करते हैं, so you will get this type of terms. अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो भी टर्म्स हमारे पास आती हैं उन्हें हमने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में क्या कर लिया, अरेंज. रोज की फॉर्म में कौन से रोज किस टाइप से लिए, कि वो नंबर्स जो b1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये सारे ai's जब b1 से मल्टीप्लाई होंगे तो दैट इज योर फर्स्ट रो, एंड जब ये नंबर्स b2 से मल्टीप्लाई होंगे सारे के सारे, दैट इज योर सेकेंड रो, एंड सो ऑन. नाउ अब हम दो तरह से सिग्मा सी एन जो न्यू सीरीज प्रोडक्ट की हमने बनानी है उसके टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड. स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड में क्या है, इस पूरे टेबल को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में डिवाइड करें. एक स्क्वायर लिया हमने 1 क्रॉस 1, देन c1 इज नथिंग बट जो भी स्क्वायर में टर्म्स आ रही है उनका सम. इट मीन्स c1 इज व्हाट, a1 b1 होने, क्योंकि इस स्क्वायर में सिर्फ a की टर्म है, दैट इज a1 b1. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट विल बी योर c2, 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर बनाओ. ये टर्म हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, सो लीव दिस टर्म, बाकी जो टर्म्स इसमें है स्क्वायर में उनका सम, एंड दैट इज सम इज a1 b2 प्लस a2 b2 प्लस a2 b1. सिमिलरली फॉर c3 यू कैन टेक द थर्ड स्क्वायर, एंड जो टर्म्स आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो उनको छोड़ दो, बाकी सारी जितनी भी टर्म्स इसके अंदर है उनका सम. सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड. बट मोस्टली हम क्वेश्चंस में स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड यूज नहीं करते, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉशी प्रोडक्ट. और कॉशी प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा सी एन सीरीज बनाने के लिए c1 कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस केस में इन स्क्वायर्स के डायगोनल वैल्यूज को कंसीडर करेंगे. लाइक c1 के लिए इसको डायगोनली कट करो और इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका सम. सो नाउ इन दिस केस फर्स्ट टर्म इज ओनली a1 b1, सो योर c1 इज सेम एज दैट ऑफ c1 इन स्क्वायर प्रोडक्ट. बट c2 अगर मैं एक सेकेंड डायगोनल कट करती हूँ तो दिस कंटेन्स टू टर्म्स ओनली, और कौन कौन सी टर्म्स है वो, a1 b2 प्लस a2 b1, एंड सेम वे व्हाट विल बी योर c3, दिस थ्री टर्म्स. सो व्हाट इज दिस, a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1, एंड सिमिलरली यू कैन डिफाइन cn, दैट इज इक्वल्स टू a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 एंड a3 bn माइनस 2, सिमिलरली अप टू a n b 1. यू कैन सी वन थिंग इन दिस कॉशी प्रोडक्ट, दैट सम ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स इन एवरी टर्म, जो भी टर्म्स इसमें c1 c2 c3 में आ रही है, हर टर्म में जो सबस्क्रिप्ट्स का सम है वो इस नंबर से एक ज्यादा है. लाइक 1 प्लस 1 इज 2 विच इज ग्रेटर देन दिस 1. एक कितना ग्रेटर है, 1 ग्रेटर. सेम वे यहां पे इन दोनों सबस्क्रिप्ट का सम चेक करें, दैट इज 3, एंड हियर अगेन 3, जो c2 जो c का सबस्क्रिप्ट है उससे 1 ग्रेटर. सिमिलरली यू कैन चेक हियर c3 में भी सारे टर्म्स का सम कितना है सबस्क्रिप्ट्स का, 4, एंड हियर इज 3. सिमिलरली इन द केस ऑफ cn. सो कॉशी प्रोडक्ट में हम जो टर्म्स लिखते हैं वो इस टाइप से टर्म लिखते हैं.
Now product of the series हम इस तरह से use करके आगे check करेंगे कि अगर दो series convergent हैं तो उनके Cauchy product पे क्या effect पड़ता है, वो भी convergent आती है या वो diverge कर जाता है series नई series या वो oscillate करती है. Now one thing more, कई terms में आपके पास जो series होगी one से start होने की बजाय zero से start हो रही होगी, मतलब जो subscript है we are going to start it from zero. In that case what will be the effect on Cauchy product? So, अगर हम उसी तरह से यहाँ पे सीरीज लिखें, इसी तरह से टेबल उसके लिए भी फॉर्म करें, तो टेबल क्या बनेगा? A नॉट, P नॉट. फर्स्ट हमने B1 के लिए टर्म्स लिखी थी, अब हम किसके लिए लिखेंगे? वो सारे टर्म्स जो B नॉट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो टर्म्स क्या आएंगी? A नॉट B नॉट, A1 B नॉट, A2 B नॉट एंड सो ऑन. सिमिलरली सेकेंड रो में कैसी टर्म्स थी जो B1 से मल्टीप्लाई होंगी? A नॉट B नॉट B1 से भी मल्टीप्लाई होगा, A नॉट सॉरी A1 B1 से भी मल्टीप्लाई होगा, A2 B1 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन. B1 से जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है वो सारी, फिर जो B2 से मल्टीप्लाई होंगी दैट इज A1 B2 A2 B2 एंड सो ऑन. नाउ टेकिंग द Cauchy प्रोडक्ट, अगर हम इस केस में प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं तो उस केस Cauchy प्रोडक्ट क्या आएगा? सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द अदर टर्म्स, बट Cauchy प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट सी नॉट क्या होगा? अगेन हमें टर्म्स वैसे ही लेनी है डायगनली. सी नॉट क्या होगा? ए नॉट बी नॉट. सी वन क्या होगा? वी विल टेक दिस डायगनल, दिस इज ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट. एंड सी टू क्या आएगा? सिमिलरली वी टेक दिस डायगनल, दिस इज ए नॉट बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी नॉट. And similarly, you can define the other terms. Now, what is the difference between these two products? In cases mein, n ki value 1 se start thi, but is case mein, n ki value 0 se start hai. Ab jab humne product liya tha, to yahan jo subscript ka sum tha, wo is term se ek zyada tha. Her term mein subscript ka sum is term se ek zyada tha. But agar hum 0 se start karte hain, to her term mein jo bhi subscripts hain, unka sum c ke subscript ke kya hoga? Equal. Like here both values are zero, so sum is zero and c zero हमने find out किया. Here sum of these two subscripts is one and इनका subscript का sum भी क्या है? One. और यहाँ पे c हम one calculate कर रहे हैं. Similar for the others. So Cauchy product depending upon n series में कहाँ से start हो रहा है उस पर dependent आपने Cauchy product की value लेनी. But Cauchy product निकालने का procedure वही है कि हमें इसको diagonally elements को consider कर. So this is all about the Cauchy product. Now we'll do problems based on this. Now we'll check कि अगर आपके पास कोई भी दो ऐसी series दी हुई हैं जो convergent हैं, तो उनका Cauchy product क्या होगा? जो Cauchy product बनेगा वो convergent होगा, divergent होगा या oscillate करेगा? और even you can also check कि अगर दो series divergent हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका Cauchy product भी क्या हो, divergent. वो converge भी कर सकता है और वो oscillate भी कर सकता है. इन रिजल्ट्स को हम बाय एन एग्जांपल चेक करते हैं. अगर सपोज आपके पास एक सीरीज गिवन है n गोज टू 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन अंडर रूट n प्लस 1, ये सीरीज हम इजीली चेक कर सकते हैं कि लाइबनिस टेस्ट से ये सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज. नाउ वी हैव टू चेक कि इस सीरीज का Cauchy प्रोडक्ट इसी के साथ, अगर इसी सीरीज को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग विच प्रोडक्ट? Cauchy प्रोडक्ट. तो जो सीरीज आपके पास आएगी वो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज नहीं करेगी. हमें पता है लाइबनिस टेस्ट से ये सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज. सो वी हैव टू चेक कि अगर दो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट गिवन है तो उनका जो Cauchy प्रोडक्ट बनेगा वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे. नाउ दोनों सीरीज जो हमें इस केस में गिवन है वो क्या है? ए एन इज एन इज एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़्ड टू पावर एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस 1 and bn is again n goes from 1 to infinity minus 1 raised to power n upon under root n plus 1. अब इसको यूज करके हमने सीरीज बनानी है सिग्मा cn विच इज Cauchy प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीरीज. नाउ उसके लिए c1 क्या होगा? इन दिस केस n goes to 1 to infinity, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? c1 दैट इज इक्वल्स टू a1 b1 मीन्स a1 यहां से क्या आएगा? माइनस 1 raised to power 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1. एन की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया? रूट 2 इंटू बी 1. बी 1 भी क्या आएगा? सेम माइनस 1 रेज टू पावर 1 अपॉन
root 2. So this is nothing but minus 1 raised to power 2 into root 2 into root 2. Similarly, we can find C2, C3 up to Cn. Cn kya ho? Ab humne Cn ko define kaise kiya tha? Jitna yahan subscript hai, utna har term mein subscript ka sum isse ek kya hoga? Zyada. To hum kya likh sakte hain? A1 Bn, A2 Bn minus 1, then A3 Bn minus 2 and so on up to An B1. So now we substitute the value of these terms. A1 is what? A1 is minus 1 raised to power 1 upon root 2 and Bn is minus 1 raised to power n upon under root of n plus 1. Now next is A2. A2 is minus 1 raised to power 2 upon root 3. How will you calculate these values? Here substitute the value of n and calculate Ai's and Bn's. Bn minus 1 kya aega? Minus 1 raised to power n minus 1 upon under root of n. And similarly, other terms here, An is minus 1 raised to power n upon under root of n plus 1 into B1 is minus 1 raised to power 1 upon root 2. So, what is the power of minus 1 in all the terms? You can easily check in all the terms the power of minus 1 is n plus 1. Here again, n minus 1 plus 2 is n plus 1. Similarly, n plus 1. So, we take it common. So, what we are left with? 1 upon root 2 into 1 by root n plus 1. Similarly, 1 by root 3 into 1 by root n. And so on up to 1 by under root of n plus 1 into 1 by root 2. Now we calculate modulus of Cn. This is Cn. Agar hum mod nikalte hain, to ye value pe kya effect padega? All terms are positive except this. Minus 1 raised to power n plus 1 bhi kya ho jayega? 1 in case of modulus. So what we are left with, this is 1 by root 2 upon into n root n plus 1, 1 by root 3 into 1 by root n plus 1 n, sorry, n, and so on up to 1 by root n plus 1 into 1 by root 2. Now now you can easily check कि जितने भी denominator में terms हैं वो सारी की सारी n plus 1 से क्या है छोटी. 2 is less than n plus 1, 3 is less than n plus 1, even all the terms n is also less than n plus 1. So under root 2 is also less than root n plus 1. Similarly under root 3 is also less than root n plus 1 and under root n is also less than root n plus 1. Now their reciprocals are obviously greater than under root n plus 1 by root n plus 1. So here also 1 by root 3 is also greater than 1 by root n plus 1 and 1 by root n is also greater than 1 by root n plus 1. So using this term we can write this modulus is greater than 1 by root n plus 1 into 1 by root n plus 1 and so on up to 1 by root n plus 1 into 1 by root n plus 1. So every term in the denominator is nothing but n plus 1 now. Why? Root n plus 1 into root n plus 1 is n plus 1 the n plus 1 only. So, ab ye kitni terms hain? We can check how many terms are this. Humne 2 se start karke n plus 1 tak gaye the. So, यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक गए? N plus 1 तक गए. Start कहाँ से किया? 2 से. इसका मतलब एक term और छोड़ दो. 1 तक छोड़ दी terms. So how many terms are this? N terms. It means ये terms कितनी terms का sum है? N terms का. So this is nothing but N upon N plus 1. So we can further write it like this. 1 plus 1 by N. Now what we get from here? Mod of Cn is greater than 1 by 1 plus 1 by N. As we all know, 1 by n is less than 1. So 1 plus 1 by n is less than 2. Hence, 1 upon 1 plus 1 by n is obviously greater than 1 by 2. Therefore, Cn, mod of Cn is also greater than 1 by 2. Iska matlab, agar n infinity ko approach karega, to Cn kabhi bhi 0 ko approach nahi kar sakta. Aur hume bataya ki agar koi series convergent hai, तो उसकी nth term 0 को अप्रोच करनी चाहिए जब n किस पे जाता है? इन्फिनिटी पे.
But in this case, when n approaches to infinity, cn does not approaches to 0. Therefore, jo Cauchy product hamare paas banega, wo convergent nahi hoga. Hence, what we have proved, ki agar aapke paas do convergent series hain, to unka Cauchy product, that is cn, sigma cn series jo aapke paas banegi, that need not be convergent. Thank you.